ओम नमो नारायण। सभी गुरुओं को चरण स्पर्श। मैं महेश कुमार कुशवाहा, कुशवाहा व्रत चैनल के अंतर्गत आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सीरस के पेड़ की जानकारी, जो कि बहुत ही अद्भुत पेड़ है। और इस सीरस की तीन किस्में होती हैं, सफ़ेद, लाल और काली। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये काला सीरस बोला जाता है। इसे काला इसलिए बोला जाता है, इसके बीज काले होते हैं और इसके फूल आप देख रहे होंगे गुलाबी रंग के फूल हैं। ये इसकी पत्तियां जो कि इमली से थोड़ी बड़ी होती हैं। और ये पेड़ सड़कों किनारे मिल जाता है, पूरे महाराष्ट्र में तो बहुत है, इधर साउथ इंडिया में, नॉर्थ में काला सीरस नहीं मिलता, वहाँ सफ़ेद मिलता है। और इसकी सुंदरता देखें तो देखते ही बनती है। और ये पेड़ सड़कों किनारे आसानी से मिल जाता है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसके गुण धर्म क्या है, इसका कार्य क्या है, क्या उपयोग है। और मैं यहाँ पे आपको इसके पेड़ दिखाना चाहूँगा जड़ से। इसका तना है, आप देखेंगे तो इसके तना थोड़ा भूरे रंग में है। सड़क किनारे है तो धूप और उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये सीरस का पेड़, इसका पत्ता मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये इसका पत्ता है, जो कि इमली से थोड़े से बड़े हैं। ये देखिए, ये तोड़ते ही देखिए छूरमी की तरह पत्ते बुझ गए। ये इसके पुष्प है जो कि गुच्छे में लगे हुए हैं। क्योंकि ये टहनी टूटी हुई थी इसलिए हमने इसको देखा है थोड़ा है। तो ये आप इसके फूल देख सकते हैं और बहुत सारे फूल आते हैं, इसके फल आते हैं। फल मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे लगे हुए। तो देखिए, अगर आप सड़कों के किनारे जा रहे हैं, ऐसे पत्ते दिखते और ऐसे फल लटके होते, काला सीरस है। इमली से लंबी होती है इसकी फलियाँ, दुगनी लंबी होती हैं और चपटी होती हैं बिल्कुल। तो आपने इसके पेड़ को पहचान लिया, फूल भी हमने दिखा दिया आपको, पत्ते, फल, इसका क्या प्रयोग है मैं बताना चाहूँगा आपको। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, सीरस का जो है इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। जैसे कि हमारी ये वैसे तो कफ जो बात पीत है इसको कम करता है, दर्द को शांत करता है और ये वीर्य को गाढ़ा करता है, कुष्ठ रोग को ख़त्म करता है। तो ये कैसे करता है, देखिए इसकी जो छाल है, हम छाल ले लेंगे। छाल का जो बारीक चूर्ण है वो 1 से 3 ग्राम लेते हैं और घी के साथ मिला के सुबह शाम लेते हैं। तो इससे जो वो हमारी कमजोरी है शरीर की, वो ख़त्म हो जाती है और साथ साथ खून भी साफ होता है। और नपुंसकता के लिए भी 20 से 40 ml फूलों का रस सुबह शाम मिश्री मिला करके दूध के साथ लेते हैं, तो जो नपुंसक लोग हैं उनकी नपुंसकता दूर होती है और सिर पतन में भी लाभ मिलता है। ये इसके सेक्स पावर में बहुत है। और इसके सीड इसीलिए बड़े महंगे मिलते हैं, 200 से 2000 रुपये किलो तक हैं। और इसमें हम बीजों का चूर्ण ले लेते हैं 1 से 2 ग्राम, या मिश्री और दूध के साथ हमें लेना होता है 1 से 2 ग्राम इसके बीजों का चूर्ण सुबह शाम लेते हैं, तो सारी कमजोरी दूर होती है, नपुंसकता दूर होती है, शीघ्र पतन में भी बहुत फ़ायदा करता है, संभोग शक्ति बढ़ती है। तो ये हमें जो भी है सेक्सुअल प्रॉब्लम है पुरुष को, तो उसके लिए बहुत ही कारगर होती है। और उसमें इसका बीज हम लोग प्रयोग किया जाता है, बीज का, छाल का, अन्य प्रयोग भी बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या करना है, देखिए पेट के कीड़े में भी इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। पेट के कीड़े के लिए क्या करना है, 10 ग्राम छाल को क्वाथ बनाना है, क्वाथ बना के उसको रात को लेना है। हम 2-3 दिन लेते हैं लगातार खाने के घंटे बाद, तो ये दस्त दे करके सारे कीड़े पेट के मार देता है।
इसी प्रकार देखिए, किसी को कुष्ठ रोग हो गया, जो कुष्ठ रोग होता है वो ठीक नहीं होता है, जो चर्म रोग है कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है, तो उसमें इसका हम प्रयोग कर सकते हैं अच्छी तरीके से। उसके लिए क्या करना है, इसके 15 ग्राम जो सीरस के पत्ते हैं और 2 ग्राम काली मिर्च मिला करके उसे 40 दिन तक सेवन करते हैं, यानी 15 ग्राम सीरस के पत्ते और 2 ग्राम काली मिर्च लेंगे और उसको पीस करके 40 दिन तक पिलाएंगे सुबह 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 खाली पेट, या दोनों टाइम देते हैं तो इसको बहुत फ़ायदा होता है और 40 दिन बाद असर करता है। और इसके बीज का तेल लगाएंगे, इसके बीज का तेल नहीं तो करंजी के बीज का तेल लगा सकते हैं, जिससे कि कुष्ठ रोग ख़त्म होता है। साथ ही इसमें वीर्य में जिसकी कमजोरी होती है, जिसके शुक्राणु की संख्या कम है या वीर्य में पावर नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, छाल और फूल बराबर मात्रा में लेकर के पीस लें तो देखिए चम्मच की मात्रा प्रतिदिन सुबह शाम गाय के जो दूध होता है उसके साथ सेवन करते हैं तो वीर्य गाढ़ा होता है और काम शक्ति बढ़ती है। और ये सक्कल पावर में बहुत ही पावरफुल है। इसके साथ ही देखिए, इसमें हम कोई भी सीरस ले सकते हैं, काला सफ़ेद सीरस जो तक अब मैंने बताया, कोई सा भी सीरस ले सकते हैं जो आपके अवेलेबल हो। इसमें बीज, फूल, पत्ते, छाल सब हैं। और ये काला सीरस के बारे में एक स्पेशल बात है जो कि इसी सीरस में होता है, सफ़ेद सीरस में नहीं होता। इसमें शहद की तरह अंदर चिपचिपा पदार्थ निकलता है इसके बीज में, आप ये देखेंगे मैंने यहाँ पे इकट्ठा करा है तो इसमें देख रहे होंगे कि चिपचिपा पदार्थ है शहद की तरह गाढ़ा गाढ़ा सा। जब इस फली को हम तोड़ते हैं तो ये बीज दिखता है, जैसे बीज दिख रहा होगा आपको, तो इस बीज के आसपास जो गूदा होता है वो चिपचिपा शहद की तरह होता है और ये थोड़ा सा तीखापन लिए हुए मीठा लगता है, जिसे सीरज का शहद भी हम बोल सकते हैं। ये देखिए मैंने ये यहाँ पर पड़ा हुआ था और ये देखें तो सारा निकल रहा है इसके अंदर से, ये चिपचिपा पर निकलता है जब इसको हम तोड़ते हैं ये, और मैंने खा के देखा है ये, देखेंगे ये इसमें देखेंगे तो ये देखिए चिपचिपापन है, ये शहद की तरह गाढ़ा बहुत, थोड़ा सा मीठा लगता है और थोड़ा सा तिक्त लगता है। तो इसको क्या करेंगे कि हम इसको जैसे एक किलो हमारे इसकी फली है तो इसमें 4 किलो पानी में उबाल लेंगे, 4 किलो पानी उबालते हैं और जब 1 किलो रह जाता है उस पानी को छान के रख देते हैं और उसे सुबह शाम 1 चम्मच पीते हैं तो सारे इसके जो फल बीज जितने भी गुण हैं इनके सीरस के वो सारे हमें इसमें मिल जाते हैं। और इसके इससे बहुत फ़ायदा है, हमें सुबह शाम लेते हैं तो जितनी भी मर्दान की शक्ति है उससे संबंधित प्रॉब्लम है सब में हमें अतिशय लाभ मिलता है। और हम अगर कोई किसी को नपुंसकता की बीमारी है, वीर्य पतला है, तो वो सब गाढ़ा होगा और बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और इसके बीज भी इस तरह होते हैं और सफ़ेद वाले के बीज चौड़े चपटे होते हैं, तो मैं यहाँ बीज भी थे अभी दिखाता हूँ। ये हमने कुछ बीज इकट्ठे करे, बाकी ये साउथ इंडिया में बहुत मिल जाता है, सड़कों किनारे इसकी बहुत भरमार है। इसका अभी तक हमने प्रयोग नहीं किया तो इसका प्रयोग करें, और इसको हम चूर्ण की तरह भी खाएं तो हमारी सारी कमजोरी दूर होगी। कोई जरूरी नहीं कि हम सख्त पावर बढ़ाने के लिए खाएं, वैसे भी हम लेते हैं तो हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा और फ़ायदेमंद रहेगा। और इसको गाय और बकरियों को भी खिला सकते हैं, जितने भी उनके दूध में पावर जाएगी वो हमें मिलेगा। तो जितना मुझे ज्ञात था इस सीरस के बारे में, काले सीरस में काफ़ी दिन से ढूंढ रहा था, तो मैं यहाँ अहमदाबाद आया था तो यहाँ पेड़ मिला, तो मैंने आप लोगों को इसकी जानकारी दी है और इसका प्रयोग किया है। सफ़ेद सीरस तो मैंने देखा है हमारे गांव में, लेकिन काला सीरस नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलता है, ये साउथ में ही होता है इसका पेड़। अगर होगा तो अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो आप लोगों के पास में है तो इसका प्रयोग ज़रूर करें। और ये बहुत ही पौष्टिक और गुणकारी वृक्ष है और छाया भी बहुत देता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी ये अप्रैल का महीना और पेड़ देखिए पूरा यहाँ पर छाया हुआ है, कितना इसके नीचे कितना अच्छा लगेगा। तो ये सीरस का पेड़ था, इसी के साथ ही आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट के माध्यम से इसका कोई अन्य प्रयोग हो तो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।